वेलकम टू टू क्लिप्स प्लीज एंजॉय दी शॉर्ट ऑफ फेमस एंड एंड कीप लर्निंग डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मैं अभी मध्य प्रदेश के कुछ छोटे छोटे गांव में मैंने ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी दृश्य नहीं देखा कि एक एक गली में जो है और ये किसी और के लगाए नहीं झंडे हैं हर गाड़ी पर कुछ हिंदू चिन्ह हैं हर जो पुरुष तिलक लगाए हुए घूम रहा है हर गली में जो है राम भजन चल रहे हैं और ये मैं राम मंदिर के आसपास नहीं बहुत बात की बात कह रहा हूँ कि एकदम 22 जनवरी की या जनवरी फरवरी की बात नहीं उसके बाद है तो रामचेतना का बहुत बड़ा प्रभाव है जहाँ से हम बात कर रहे थे इनका मनोबल टूटते रहना चाहिए ये बहुत आवश्यक है तो जो सऊदी अरब के अंदर हो रहा है इनका मनोबल तोड़ने वाली वो बातें हैं और उस बहुत, है बहुत बड़ी घटना है बहुत बड़ी घटना है अल वो जो दूसरे अल्लात अलमनात को उनकी पुस्तकों में पुनः लाना ये छोटी मोटी घटना नहीं है बहुत बड़ी घटना है और एक स्ट्रक्चर में आपको जो हम चर्चा कर सकते हैं कि सऊदी अरब क्यों इस्लाम का इम्क्लोजन आसान है कंपेयर टू दूसरा अगर हम मजहब देखें या धर्म देखें तो जो इनके दादा थे प्रिंस सलमान के दादा थे उन्होंने क्लैरिक्स जो हैं मुलाओं का पावर जो शक्ति है सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल समाप्त कर दी थी उसको इन्होंने क्राउन के ऊपर आधारित कर दिया था जो कि रूस में ऑर्थोडॉक्सी और रूस का जो जार का जो रिलेशन था वही सऊदी अरब में सऊदी जो सुल्तान हैं और वहाँ के मुलाओं का नाता है यानी वो सरकारी अपॉइंटीज हैं तो अब ये तब तक, तक तो व्यवस्था अच्छी चलती है जब तक ऐसा राजा राज करे जो इस्लाम का झंडा थाम के चले पर इसमें अगर एक भी वीक लिंक आ गई एक भी ऐसा राजा आ गया जो इस्लाम का पालन नहीं करना चाहता तो बहुत आसान है कि वह इस्लाम का अंदर से विघटन करे और ये हुआ है जब प्रिंस सलमान जब पावर में आ रहे थे तो वहाँ उन्होंने क्लैरिक से कई सारे समझौते साइन कराए कि जब ऐसा होगा तो ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते ऐसा होगा तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो वहाँ पर सऊदी अरब में बड़े डीप लीगल चेंजेस जो हैं बदलाव हैं वे लाए गए हैं उसका असर पूरे इस्लामी वर्ल्ड पे दिख रहा है अभी ईरान ने हमास का सम, आ, समर्थन करके जो इसराइल से लड़ाई ली है सऊदी अरब उसके विरोध में काम कर रहा है क्योंकि उनको ईरान की शक्ति जो है बड़ी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक्स में ऐसे फिलिस्तीन का नाम हटा दिया नाम हटा दिया है और ईसाई कंट्री रिकगनाइज कर रहे हैं परंतु सऊदी अरब ने उसको हटा दिया जब हाउथी ने समुद्री जो पथ से जब भारत से जो सामान है इसराइल तक पहुंचाना बंद कर दिया उन्होंने अटैक किए आक्रमण किए तो अब इनका प्लान है कि ओमान सऊदी अरब से हाईवे निकाल कर सीधे जॉर्डन ये तीन जो जॉर्डन जो जिन <laughs> अपने आप को जो वो प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज डायरेक्ट जो है हाशमाइट किंगडम है वो हाशमाइट किंगडम काफरों से काफरों तक काफरों से यहूदियों तक जो है वो पूरा हाईवे बना रहे हैं जो भारत से जो सामान है वे इसराइल तक पहुँचाए तो इसका असर दिख रहा है ओमान अपने आप को अब शिया नहीं कहता सुन्नी नहीं कहता ये बहुत बड़ा बदलाव है ओमान ने अपने आप को फॉर्मली बात घोषित किया है और जब कोई उन्हें सुन्नी कहते हैं तो वे मना करते हैं ओमानी कि हम सुन्नी नहीं हैं हम एक अलग सेक्ट हैं तो इनके और सेक्ट में बंटने का ये सऊदी अरब के अंदर ही ओमान में मेरे ख्याल से मंदिर आ गया कि नहीं ये मुझे अभी स्पष्ट पता नहीं है परंतु यू में तो मंदिर आ ही चुके हैं बेप्स के बड़े सुंदर मंदिर आ चुके हैं UAE में तो आ ही गए यू में तो उद्घाटन भी करा है तो दुबई में तो पहले से ही था जी और अब आपने देख लिया यहाँ अबू धाबी में आ गया अबू धाबी के बाद में अब सऊदी में भी ज्यादा दिन नहीं है सऊदी में तो भगवत गीता पढ़ाई जाने लगी टेक्स्ट में जी जी और मैंने बैब से अभी ये स्पष्ट नहीं है ऑफिशियल नहीं है ये घोषणा बैब से मैंने एक समाचार सुना है कि रियाद में स्वामीनारायण मंदिर की चर्चा हो रही है तो अगर बनने की तो अगर रियाद में बन जाता है तो ये एक बड़ी अभूतपूर्ण घटना होगी और ये बात सही है कि वो तो किसी भी समय कोई बम लगा के उड़ा भी सकते हैं ये भी सही है परंतु इस तो विश्व वैश्विक जगत में ये इतना भी आसान नहीं क्योंकि अगर वो ऐसा करने का पूरा विचार रखते तो ये बनने नहीं देते एक ये देखने को आ रहा है कि जो घुसपैठ हो रही है तो इस बार सेकेंड राउंड के बाद मोदी ने हाईलाइट करना आरम्भ किया कि किस प्रकार से कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है उनके मैरिफेस्टोज में माइनॉरिटी अपीसमेंट का और सी uh, ए के विरोध का घुसपैठियों के समर्थन की ये सारी बातें उन्होंने उठानी आरंभ की यदि इसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं तो क्या इनको इलेक्टोरल डिविडेंड मिल सकता है मुसलमानों के विरोध में बोलने का बिल्कुल मिल सकता है और अगर ये पहले से करते तो बड़ा और अच्छा उसका परिणाम आता ये वोटर्स हिंदू वोटर को ये लगा कि ये पहले चरण के बाद पहले दूसरे चरण के बाद इनमें ये डर लगा तब ये इन्होंने ये बात कही अगर वे पहले चरण के पहले से जो चुनाव प्रचार हो रहा था पहले चरण का जो चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें यह बात करते तो बहुत स्पष्ट होता देखिए ये तो जो विषय है ये कई लोगों के लिए कई समुदायों के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि उनके जमीन पर आके रोहिंग्या बस गए मैं आंध्र के बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ और वहाँ कहते हैं कि अगर हम यहाँ मजदूरों को लें तो रोहिंग्या मिलते हैं और बहुत कठिनाई होती है दूर से जिलों से लाना पड़ता है हमें अगर काम कराना है अगर हिंदू लाना है क्योंकि उन्होंने ये जो बेलदारी है और जो मकान जो बनाने में जो भी हमें मजदूर लगते हैं वो सब उस पर जो कब्जा कर लिया है तो इस प्रकार से रोहिंग्या की घुसपैठ जो पूरे भारत में हुई है खाली रोहिंग्या तो बहुत ही कम है अगर आप बांग्लादेश अगर ये देखा जाए देखा रोहिंग्या की पूरी संख्या जो बताई गई थी म्यांमार के सेंसस के हिसाब से जी वो दस लाख थी जी के थी। इसमें तो के हिसाब से से लाख ऊपर तो तो बांग्लादेश कैंप्स कैंप्स में में जी जी इतनी लंबी चौड़ी संख्या कैसे बता दीजिए संख्या नहीं है ये लीड करते हैं ये नेता होते हैं बेसिकली किसी भी जो एक बस्ती बस्ती है उसमें जो सबसे अग्रेसिव और जो लीडर्स होंगे वो रोहिंग्या होते हैं उस बस्ती के बाकी बांग्लादेशी मुसलमान उनके आसपास गिर जाते हैं तो संख्या में इतने अधिक नहीं है परंतु बांग्लादेशियों मुसलमानों की अगुवाई ये कर रहे हैं उनकी नेतागिरी ये कर रहे हैं और उसके कारण भारत के छोटे छोटे कोनों में बहुत आश्चर्य हुआ मुझे पहले लगता था कि दिल्ली में कुछ है जम्मू में कुछ जैसे जो जब चर्चा मिली थी हुए परंतु आंध्र कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में इनका पहुंच जाना तो इनका तंत्र ये पहुंच जाना क्या है क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छे साबित हुए कि किसी एक नए क्षेत्र में जाके कब्जाना एक छोटा सा गांव लेना क्षेत्र लेना वहाँ दूसरे उनके आसपास दूसरे बांग्लादेशी और भारतीय मुसलमान भी घिर जाना हंड्रेड परसेंट मुस्लिम विलेज बनाना और फिर जो है वो कब्जा करना वहाँ के स्किल्स पर कि हम ये और क्योंकि ये सस्ता ऐसा काम कर देते हैं आज की पचास प्रतिशत आप अपना मजदूर जो जो भी ले रहा है उसके पचास या चालीस प्रतिशत में ये काम करने पर तैयार हो जाते हैं मुझे पता है कि मैं 2008 की बात है वहाँ ये आ, ये बांग्लादेशी थे उस समय तो रोहिंग्या नहीं थे परंतु इंदौर की बात मैं बता रहा हूँ तीस रुपये दिन पे काम करते थे जबकि रेट था बिलदार का उस समय डेढ़ सौ या एक सौ साठ तो ये तीस रुपये आप सोचिए कि कितना अंतर है थोड़ा बहुत नहीं है ये एक सौ पचास के एक नहीं ले रहे तो उसमें कुछ समाज ने फिर ये भी घोषणा की कि आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे अगर आप इनको बांग्लादेशी मुसलमानों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ तो ये कुछ अच्छे वहाँ कदम भी उठाए गए तो इस प्रकार से पूरे भारत में उनका तंत्र तो बहुत स्ट्रांग है ही और अगर मोदी जी पहले से और भाजपा बहुत स्पष्ट रूप से हिंदुत्व का एजेंडा अपना ले तो और कॉन्सल्टेशन होगा बहुत बार बार अच्छे से असम की जो बात लाते हैं कि जहाँ सा पैंसठ प्रतिशत से थोड़ी सी कम आबादी और ये तो पेपर पर पे थोड़ी बहुत एक आधा एक परसेंट और हो सकती है जहाँ हिंदुओं की हो वहाँ पर ग्यारह सीट जीत जाना कोई आसान काम नहीं और तो ये तो ये मॉडल जो है वो स्टडी करना चाहिए पूरे देश में अपनाना चाहिए इतना अग्रेसिव हिंदुत्व हर क्षेत्र में पालन करना चाहिए छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति अपनाई गई मावा जी की हम कितनी भी बुराई कर लें और वो कमियाँ भी बहुत हैं लेकिन जो है उन्होंने अपने पिछले अंत के डेढ़ साल में अंदर बहुत सारे हिंदुत्व के एजेंडा अपनाए थे तो उसके कारण है जो है उसे जब जो बुलडोज़र मॉडल है उन्होंने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया और उसमें बड़े जो बहुत शिद्दत से एक एक मकान तोड़ा है और इंदौर के अंदर भोपाल के अंदर ग्वालियर के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है तो उससे जो बल मिला है क्योंकि कई हिंदू थोड़े से रुष्ट होने लगे थे कि आप जो हैं वो अब आप संतुष्ट हो गए हैं और नहीं उठा रहे हैं पर ये वापस आने के बाद जब एक साल लगभग कमलनाथ की सरकार रही थी उसके बाद हिंदुत्व की उन्होंने थोड़ी सी पत लिया था तो जब सीएम नहीं रहे तो उनको बड़ा खेद भी हुआ उसका परंतु अब फिर से वे राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके हैं